तो भाई ज्यादा नहीं गिरना वैसे इसमें, ये भाई तेल ज्यादा खाती है यार, इसके लिए थोड़ा ज्यादा है। बैक टू माय व्लॉग। तो भाई थंबनेल देख के तुम समझ गए होगे आज हम क्या करने वाले हैं। तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा है, आज करेंगे भाई स्प्लेंडर का और अपनी ओल्ड मॉडल का टग ऑफ वॉर। तो पहले जा रहे हैं हम एक बार पेट्रोल पंप पे, क्योंकि अपनी जो ओल्ड मॉडल है ना उसमें थोड़ा फ्यूल कम है और जो स्प्लेंडर भाई उसमें है ही नहीं, क्योंकि वो कर दिया भाई आकाश ने खत्म, तो नहीं भाई सारा तेल फूका है। तो अभी जा रहे हैं भाई पेट्रोल पंप पे, पहले पेट्रोल लेके आते हैं और राघव मेरा वेट कर रहा है बाहर, जल्दी चलते भाई। और बुलेट को लेकर जा रहे भाई नई को, क्योंकि उसमें थोड़ा तेल है जो हमें अपना वहां तक पहुंचा सके, ठीक है पेट्रोल पंप तक। तो नई बुलेट को निकालते हैं अंदर से, अंदर खड़ी है इस कमरे में ये वो खड़ी, तो इसको निकालते भाई और जल्दी से पहुंचते और फिर जल्दी से आके फिर करते जिम पे टग ऑफ वॉर अपनी ओल्ड मॉडल का और अपनी स्प्लेंडर का। भाई चाबी ले लिया हमने, ये रही अपनी भाई बुलेट की BS6 की चाबी, ठीक है ये खड़ी है अपनी भाई BS6। और भाई ये मम्मी ने ना इस पे चादर ढक दी है, क्योंकि तुमने देखा होगा भाई अपना पहले मैंने तब ये धोई थी तब भी गंदी हो गई थी है ना, थोड़ी धूल की जो लेयर सी चढ़ जाती है ना वो सीन हो जाता है। तो इस चक्कर में मम्मी ने ना इसका ये ढक ही दिया चादर से, तो थोड़ी थोड़ी धूल तो भी चढ़ रही है ना, देखो दिखा देता हूँ यार ये धूल आती कहाँ से भाई, देखना ये इतनी धूल आती कहाँ से, मैं तो यही कंफ्यूज हूँ। तो थोड़ी सी साफ कर देते हैं, धूल है जो उसको हटा देते हैं और अपनी बुलेट है जो चमक जाएगी। वैसे तो यार चमकी हुई है ना, देख रहे हो क्या साइन मारती है, क्योंकि नहीं है ना भाई इतनी चली कहाँ है अपनी बुलेट, शौक के लिए लाए थे और शौक के लिए ही अपना भाई चलाते हैं, ठीक है साफ कर देते हैं अपनी बुलेट को। यार स्टिकर का ये जो टेप थी ना ये मैंने हटाई नहीं भाई, भूल गया, आज हटा देंगे इसको। और एक चीज और सोच रहा हूँ मैं यार, इससे करेंगे टग ऑफ वॉर, इससे यार कर नहीं सकते, इसके जो भाई चैन सेट है मैंने तो ये चीज पहले बता रखी है, चैन सेट जो इसका ये चैन पॉकेट है ना इसके जो दांते से होते हैं भाई टूट जाते हैं यार, ये डेक चून के क्या चीज के होते हैं ये टूट जाते हैं, तो इसके चक्कर में इससे नहीं कर सकते, अपनी ओल्ड मॉडल है जो उससे करेंगे, उसमें देखेंगे आज कितनी ताकत है, ठीक है ओल्ड मॉडल में ज्यादा ताकत है या अपनी स्प्लेंडर में ज्यादा ताकत है। और यार मैं ये चीज सोच रहा हूँ स्प्लेंडर ना उसको हरा देगी, पता क्यों, क्योंकि स्प्लेंडर में टायर देगा भाई तुमने कितने तगड़े है। तो भाई एक बार इसको बाहर करते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए स्टार्ट करके सेट करके फिर निकल जाएंगे सीधे, और आज तो पेट्रोल भरवा के ले आएंगे, बड़ी कैन ले रहा हूँ मैं जो होती है ना वो जिसमें बैटरी का पानी आता है उसको भरवा के ले आएंगे आज, है ना आज अपनी बुलेट की टंकी फिर फुल। इस कमरे में से निकालने का ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, देख रहे हो पैर कैसे फिसल रहे हैं, और बुलेट है ना जो थोड़ी टाइट पीछे को हो रही है, तो इसके चक्कर में पैर फिसल रहे भाई, गिर भी जाते हैं अभी तो टाइल है ना नीचे फिसल रहे पैर, तो इसके निकालते भाई जल्दी से, और कैमरा हाथ में पकड़े कर रखूंगा ना तो बुलेट गिर भी सकती है। बुलेट आ चुकी है अपनी बाहर और अब करते हैं भाई इसको जल्दी से स्टार्ट। और भाई ऊपर से कैसी लग रही है यार, यहाँ से ना थोड़ी छोटी छोटी सी लग रही है, क्योंकि अपनी जो वो वाली बुलेट है ना ओल्ड मॉडल वो यहाँ से थोड़ी ऊंची है भाई, और भाई फील अलग ही आ रहा है यार। और मैं इसे दबा रहा, अभी हॉर्न को दबा रहा था, उसमें टेम्परेचर सेट करता हूँ यहाँ से, तो मैं अभी हॉर्न को दबा रहा था क्योंकि उसी को चला रहा हूँ भाई काफी दिन से, ठीक है ना मुझे थोड़ी आदत सी पड़ गई है, बट आज बहुत दिन में चला रहा हूँ यार। ले भाई नहीं हुई भाई स्टार्ट, दो किक होगी, हो गई भाई तीसरी में होगी। तो भाई 10 मिनट के लिए इसको छोड़ते स्टार्ट करके और फिर निकल जाएंगे अभी, मैं पर वो ढूंढ रहा हूँ यार अपना पेट्रोल लाएंगे किसमें, पानी की बोतल होती है इतनी बड़ी उसमें ले आएंगे है ना, भरवा के ले आएंगे उसे फुल, क्योंकि भाई टग ऑफ वॉर में तो पता है टग ऑफ वॉर होएगा तो कुछ और भी होएगा, तो फ्यूल ज्यादा ही ले आते हैं ना। तो इसको करते खड़ी और बोतल ढूंढता हूँ भाई, बोतल तो यार मेरे को मिल नहीं रही, बोतल ना वो जिम पे पड़ी है, क्योंकि अभी जिम की इन्वर्टर के बैटरी में पानी डाल था ना अभी, तो वहाँ पे पड़ी है, तो जिम से उठाते भाई एक बोतल और फिर निकलते सीधा अपना पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने, ठीक है। और राघव को मैंने कॉल कर दिया, वो मिल रहा है मेरे को बाहर, घर के बाहर ही, और सबसे बेस्ट चीज है इसकी ये देखो भाई अपने आप चलेगी अब ऑटोमेटिक है ना, रॉयल एनफील्ड की स्टैंडर्ड, ये देखो भाई सबसे बढ़िया यार ये चीज़ लगती है भाई मुझे इसकी। और दादी ला भाई, दादी मिल गया मुझे रास्ते में, गेट कौन लगा रहा है भाई बार बार में, दो जगह से गेट खोल चुका हूँ मैं, आ जा भाई अभी जिम पे जा रहे हैं, वहाँ से पहले बोतल लेंगे है ना, राघव भाई बुला लेते हैं, चले भाई फिर, चलो भाई यार बोतल नहीं मिल रही मेरे को, जिम पे से लेते बोतल है ना, जिम पे से, जिम पे पड़ी बोतल, ये बोतल ले लिया जिम पे से और इस बोतल को भरवा के ले आएंगे ना भाई, पुरानी बुलेट फुल कर देंगे, धुआं उठाना आ जाए ओल्ड मॉडल का और अपने स्प्लेंडर करेंगे टग ऑफ वॉर, ठीक है भाई आप वेट करो हमारे 5 मिनट में। साइड जा रहे भाई, खतरों खिलाड़ी बन रहे हम भी पूरे। तो भाई हम पहुंच गए पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप पहुंच गए भाई,
भाई सारा दे रहा है या साइड से हो। और भाई क्या हाल है ले भाई ओए। अरे 200 का लिक्विड आ गए छोड़े पर दिए ना पैसे इन कती भी इतने हराम को एक बिठा दिया मेरे छाती पर ओए ये बोतल फुल ना भर ले मैं देख रही मुड़ी पहुंच चुके और ये रहा भाई तेल देख रहे हो कितना सारा तेल है। तो भाई कुछ फ्यूल गिरेंगे अपनी स्प्लेंडर में। स्प्लेंडर में भाई ज्यादा नहीं गिरेंगे क्योंकि स्प्लेंडर की रनिंग कम है ना भाई। ये स्प्लेंडर थोड़ी कम चलती है या आकाश ही फूक देगा तो इसमें गिरेंगे थोड़ा कम है। भाई गिरेंगे कैसे बिखरेगा ये तो। चलो यार मैं अरे बोतल काट रू चल बोतल काट लू रुजा भाई कह रहे हैं मैं घेर दूंगा बिगर बखेरे हैं एक बूंद गिर गया नीचे। तो भाई ज्यादा नहीं गिरना वैसे इसमें थोड़ा कम ही गिरना है बस बस। चलो भाई और ये अपना सारा बुलेट में ओल्ड मॉडल वो ज्यादा तेल खाती है ना ये तो जो भाई पूरे 3 दिन चला लो वैसे है ना इनकी एवरेज यार बहुत तगड़ी है भाई। और जो ओल्ड मॉडल है ना वो तो भाई तेल का पीपा है पीपा तेल को ऐसे पीती है भाई वो। ये भाई ढक्कन यार खराब हो रहा है और हम इतनी बार जा चुके हैं ना मार्केट बस ये लाना बोले इसके ना भाई लॉ खराब हो गए तो नहीं मैं सोच रहा हूँ भाई इसी की वजह से तेल इसका उड़ रहा है ना उड़ता है तेल पेट्रोल आकाश पे स्टार्ट नहीं हुई ऐसे इसका भाई फ्यूल वगैरह भी खोलने होते है हमने ना तो चाबी का वो लगवा रखा है पता क्यों क्योंकि अपने यहाँ पे तेल चोरी हो जाता है ना भाई चोर तो भाई बहुत है यहाँ पे करके देखते स्टार्ट स्प्लेंडर हो चुके अपनी स्टार्ट। और भाई कैसी लग रही है यार स्प्लेंडर भाई बहुत दिन में चला रहा हूँ है ना यार अपनी जो ओल्ड मॉडल है कोई चला रहे काफी दिन थे। और देखो भाई दो इनकी जो लाइट है ना भाई इतनी तगड़ी है ना रात में बहुत ज्यादा तगड़ी भाई तूने इनकी लाइट देखी दो लगा दी हमने देख ली। चलो भाई देख रहे भाई कितना फ्यूल है ये सारा गिरेगा अपने ओल्ड मॉडल में चीज भूल के मैं जा रहा था यार अपने टक ऑफ वॉर में ना वो क्या होती है रस्सी चाहिए यार रस्सी यार यहाँ पे रखी थी वो ये ठीक है तो रस्सी अपने को मिल गई है टक ऑफ वॉर के लिए भाई दे रहे रेस सर हटा के भाई हम मार के दिखाएंगे ना आप पे कैसे लगेंगे ये बुलेट थोड़ी है अभी नहीं मारेगी जब गर्म होगी जब आप गर्म होगी तब मारेंगे ये पकड़ो ये अपने यूज की चीज भाई डबल तीवल कर लेंगे ना इनको नहीं टूटेगी फिर चले फिर। तो भाई जिम पे पहुंचते हैं और बुलेट की चाबी ले ली मैंने हाँ ये चलो भाई जिम पे चलते हैं अब और अपनी ओल्ड मॉडल में भरते तेल। फाइनली पहुंच चुके जिम पे और वो रहा भाई अपना फ्यूल जो हम लेके आए आप गेरेगा भाई अपनी ओल्ड मॉडल में भाई मैं गेरूंगा इसमें आप गेरो ठीक है भाई बिखरना नहीं चाहिए उसमें बेटा थोड़ा बिखर गया था। चल भाई चल भाई ले भाई पूरा भर दे भाई इसमें ये भाई तेल ज्यादा खाती है यार इसके लिए थोड़ा ज्यादा है पर वो कोई नहीं अपना स्प्लेंडर में कम पड़ेगा तो निकाल लेंगे ना कितना था भाई 5 लीटर देख लो बेटा थोड़ा सा भाई देख रहो सही में भाई पूरा थोड़ा भी नहीं बिखर रहा यार ये देख रहा भाई आपने गेरा है क्या ट्रैक्टर में पेट्रोल है बेटा ट्रैक्टर में आदत होगी ट्रैक्टर में पेट्रोल गिरता है डीजल सॉरी भाई डीजल गिरता है यार। तो भाई आकाश भाई क्या क्या कह रहे हो भाई जब भाई मेरे पास 70 ट्रैक्टर थे ना हाँ कानूनी अपराध से अच्छा डीजल के काम करेगा 2000 रुपया हफ्ता में देख रहा हूं। ओके तो भाई अपनी वो इसमें घुस जाएगा भाई ये तो भाई अपनी बुलेट तो भाई ऑलमोस्ट हो रहा है भाई फुल हो चुकी है भाई दोनों बाइकों में हो चुका है फ्यूल फुल। तो भाई मैं कह रहा हूँ अपना अपना सब अंदाज लगाओ कि कौन सी बाइक जीतेगी भाई स्प्लेंडर जीतेगी है अरे भाई स्प्लेंडर थोड़ी जीतेगी बुलेट जीतेगी इसका इंजन देख रहा कितना बड़ा है चल भाई राघव कह रहा कि भाई स्प्लेंडर जीतेगी ठीक है अपनी और राघव की शर्त लग चुकी है चल स्प्लेंडर जीत गई तो मैं खर्चा करूंगा और बुलेट जीत गई तो तू खर्चा करेगा। चल एक वो हिंट दे कैसे लग रही तेरे को कि स्प्लेंडर जीत जाएगी भाई पता लगेगी मैदान में। चल भाई राघव कह रहा कि पता लगेगा मैदान में कौन सी जीतेगी भाई बुलेट जीतेगी अपनी ठीक है 250 cc है और स्प्लेंडर क्या है 98 है 90 cc ओ भाई 90 जीत जाएगी यार मुझे एक टायरों से डर लग रहा भाई टायर दे ये स्पेशल भाई ऑफ रोडिंग के लिए बने ये जो टायर डल रहे ना इसमें ये सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए और अपनी बुलेट में भाई सादा सिंपल टायर बेचारी में वो भी पतला और इसमें डल रहा भाई देख रहे हो कितनी बड़ी गुड्डी है और ये भी 120 नंबर ओ भाई कह रहा राघव कि ऐसा खींच देगी एक मिनट में तुझे और तेरे बुलेट को तो वो देखते भाई। और अभी जो मैं रस्सी लेके आया ना भाई इसको थोड़ा हम डबल कर रहे हैं क्योंकि सिंगल सिंगल तो ये टूट जाएगी है ना भाई इसको डबल तिबल करके और फिर करेंगे। ये देखो भाई आकाश भाई कर रहे हैं ऐसे काम आज परफेक्ट है ना एक्सपर्ट हो आप इसके चलो भाई तो भाई जल्दी से करते हैं अपनी रस्सी को डबल और फिर इनका खेत में करेंगे ठीक है खेत में करेंगे यहाँ पे खेत में सही है ना यहाँ पे तो रिपटेगी भाई ये ना टाइल है इन पे रिपटेगी खेत में ना पकड़ करेंगे टायर बढ़िया। हाँ चलो भाई होगी भाई तो इनको बांधे कहाँ पे बांधेंगे कहाँ पे सॉकर तो खराब हो जाएंगे भाई यहाँ इसमें कहाँ पे बंधेगी सही कह रहा भाई इसमें तो इन पे बंध जाएगी है ना उसमें कहाँ पे यहाँ पे
तो भाई इसमें यहाँ पे बांधेंगे और स्प्लेंडर में बांधेंगे यहाँ पे। यार ने तो छोटी बना दी यार घड़ी फिर। ये तो भाई छोटी यार। भाई अपनी जो ये रस्सी थी ये तो भाई यूज में नहीं आई क्योंकि यार ये बहुत पतली सी है और जैसे इसको डबल भी कर रहे ना भाई तो ये पड़ रही है थोड़ी छोटी। तो अभी ना एक कमरे में रखा है मोटर सा ना भाई थोड़ा, तो उसको लेके आते उसको देखते भाई वो कैसा है। और भाई राघव भाई अपने अपनी आउट लाइट देगी डबल, रात में उजाला देखा तुमने अपनी लाइट का? सही में तगड़ा था ना। सही यार क्योंकि अपने यहाँ पे तो हेडलाइट है नहीं है ना, तो लाइट तो अपने को चाहिए। वैसे ना मैंने एक फ्लैश रहे तूने एक और चीज देखी क्या हमने वो 1600 बनवाया एक बार। हाँ फत्ते पर बस डेरे सब कहीं शेर छपरो और कहीं यू ना पता वो है कहाँ पर छप। तो भाई राघव कह रहा कि हमने यहाँ पे एक बार वो नहीं लगाया था लॉयन का स्टिकर लगाया था ना लॉयन का फेस, तो कह रहा भाई हमारी कॉपी कर ली सबने है ना। अब मतलब कहने का मतलब ये है जितनी भी अपनी स्प्लेंडर मिल रही है ना कल नो देखे तो मोमोज खा रहे। हाँ लिखवाने भी फोर्ड। हाँ भाई एक बंदे ने यहाँ पे फोर्ड लिखवा रखा था, पहले जो अपने स्प्लेंडर में फोर्ड लिख रहा था ना यहाँ पे वो भी फोर्ड लिखवा रहा था। कॉपी हो रही है अपनी हमें देख के, कहने का मतलब ये हम अपने कर कर छोड़ रहे हैं और पीछे चल रहे हैं हमारे। सही है भाई मिला भाई रस्सा 5 मिनट कर रहे भाई टाइम नहीं है मेरे को ना बहुत मैं एक्साइटेड हूँ टग ऑफ वॉर के लिए आज। तो भाई थोड़ी देर के लिए मेरा और राघव को वॉर हो रहा है भाई। जिस रस्सी के लिए हम बात कर रहे थे ना वो तो भाई मिली नहीं, अब हमको ना यही वाली बनानी पड़ेगी और राघव भाई से तो हुआ नहीं। अब मैं और राघव बना रहे इसको थोड़ा हैवी, तो इसको बना के फिर दिखाते तो मैं हमने कैसी बनाई। गाइस अपनी जो रस्सी है भाई वो बन चुकी, दिखाना भाई ये देखो भाई अभी ये थोड़ी मतलब छोटी कर रखी है। ठीक है तो अभी चलते भाई मैदान में। चले भाई फिर चले। पहले चलो आप स्प्लेंडर और हम चलाते बुलेट को। ठीक है और भाई अपने दोनों घोड़े तैयार हो चुके हैं देख लो, चल दिए मैदान की तरफ। और भाई अपनी शेर रिप चल भाई चल दिए घोड़े अपने और अपनी रस्सी बिल्कुल तैयार। भाई हमें लगता है रस्सी तो टूट ही जाएगी लेकिन कुछ तो करेंगे देखो। मजा आ रहा है अब बुल्ट में तो बन चुका है यहाँ पे बांधी भाई। ठीक है और अब बांध रहे भाई स्प्लेंडर में, इधर भी अपने भाई बांध दिए। ठीक है तो भाई कुछ ना करते हैं। मैं सोच रहा हूँ ज्यादा गैप नहीं होगा सही है। चलो भाई तो भाई आकाश आकाश भाई आप कैमरा मैन हो ठीक है, आपको यहाँ पे सेंटर में फोन पकड़ के रखना है बस। ठीक है ज्यादा अपने बकवास करनी नहीं है आपको, पर अपना फोन पकड़ के रखना। ओके भाई रेडी हो आप देखने के लिए? और भाई बिल्कुल फुल तैयारी के साथ अपना मैच चालू हो चुका है। एक दो तीन और भाई मैच बहुत बेहतरीन होते हुए भाई स्प्लेंडर ने देखो बिल्कुल भाई मतलब खींच दी यहां तक। और भाई बुलेट देख कितनी पीछे आ गई, यहाँ थी बुलेट यहाँ से और भाई बिल्कुल मतलब तगड़ी बेटो दासू भाई टायर बिल्कुल धस गया अंदर में। देखो भाई मतलब कितनी लंबी वो खींच के लिया बुलेट, खींच के ले गई यहाँ से ले गई थी बिल्कुल यहाँ से। मैं भाई का मन नहीं भरा इस बार फिर ऑल द बेस्ट ट्राई करते हैं अपनी बुलेट जो यार थोड़ी ताकत थोड़ी भाई मतलब ताकत भी कम लगा और गियर भी जल्दी जल्दी मतलब लग नहीं रही इसके। और भाई मैच बहुत बेहतरीन होते हुए इस बार तगड़ा वाला। तो भाई नेक्स्ट टाइम फिर तैयार मतलब तैयार करते हैं यार ये ड्राइवर भाई गलत है। इतने भाई इतनी तो मैं चला लूं। और भाई ये ब्लॉग बहुत बेहतरीन होते हुए और भाई शायद ही अब देखते हैं मैच। भाई स्प्लेंडर मतलब यार कई दिनों से निकली है ये ना भड़ास निकाल रही है पूरे बदल ले रही बुलेट पता कि कई दिन तक मेरे ऊपर रील नहीं बनी ना। लेकिन भाई इस बार इसको तैयार करते राघव भाई अब बुलेट को चला रहा राघव और स्प्लेंडर को चलाएंगे हम। देखते हैं भाई प्लेट्स में दादा दम है या फिर बाइकों में। भाई पीछे करते थोड़ी फिर एकदम तैयार हो चुके दोनों प्लेट्स। दो और रुक जा
भाई ड्राइवर में थोड़ा बहुत फर्क है। न्यूटा कर ऊपर मार दे, दो बार पाँच न्यूटन हो जाएगी। होगी होगी तो भाई, एक बार फिर से ट्राई कर रहे हैं। और अब की बार ना अपनी स्प्लेंडर भाई जो थोड़ी टेढ़ी हो जाती है और फिर फंस जाती है, तो थर्ड बार ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अब की बार ब्लड एयर थोड़ी खींच के लेगी। और भाई अब रेडी, वन टू थ्री। और इस बार भाई धमाका मतलब तेज, टायर देखो कितना धस गया, स्प्लेंडर को बिल्कुल मिट्टी कर दो। ओ भाई बिल्कुल यार तगड़ी भाई, अपनी स्प्लेंडर देखो भाई कितनी धस चुकी है, ये देखो भाई मिट्टी में। और बुलेट यार बिल्कुल नहीं फंसी यार, बुलेट का टायर नहीं घूम रहा कैसे यार, पता नहीं है भाई, जा नहीं लगा रही बुलेट जैसे भाई, इसका इंजन है ना पावरफुल, इतनी ताकत नहीं लगा रही। बट भाई स्प्लेंडर तो खींच नहीं रही है ना, स्प्लेंडर भाई इसको खींच भी नहीं पा रही, और ये भी स्प्लेंडर को नहीं खींच पा रही, दोनों ही नहीं खींच पा रही आपस में भाई। अपना टग ऑफ वॉर है जो वो करते हैं यहीं पे बंद, क्योंकि भाई दोनों में से कोई सी नहीं जीत रही है ना भाई, ये भी उसको नहीं खींच पा रही है और वो भी इसको नहीं खींच पा रही है। एक बार हाँ फर्स्ट टाइम इसने जब भाई भगाई थी ना तब खर्चा भाई चल वो थोड़ी भाई, जब ज्यादा दूर तक खींचते रहे तब बनती है, ठीक है। तो भाई दोनों में से कोई सी नहीं जीती, अब इनको खोलते। तो आपको कैसा लगा भाई, कौन सी बाइक ज्यादा जीती है? स्प्लेंडर जीत गई है। चलो भाई इसने कह दी स्प्लेंडर जीत गई है। वन टू थ्री। ओ भाई तगड़ा एक और वो लाइट मुड़ी भाई, एक चक्कर और। तो भाई अपनी स्प्लेंडर के एक स्टंट में ना नुकसान हो गया, अपनी जो लाइट है ना भाई ये पीछे को मुड़ गई भाई, सीधी करते हैं इसको। वो एक नहीं जल रही रे, एक नहीं जल रही, दूसरी तो नहीं चाहिए, सीधी तो होगी बट जल नहीं रही। तो भाई एच जे वो जल गई, जल गई भाई, जल गई। मजा आ गया बट भाई थोड़ी सी नीचे करनी पड़ेगी, ऊंची है ना। तो भाई पेप्सी मंगा ली राघव भाई ने, वैसे जीता तो कोई नहीं बट भाई ने खर्चा कर दिया। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। या तूने क्या खर्चा भाई? एक भाई का ना कमेंट आ रहा था कि एक वीडियो पे कि भाई अपनी जो 1985 मॉडल बुलेट है इस पे एक बार पटाखे फोड़वा के दिखाओ भाई, ये तगड़े फोड़ेगी या आपकी वाली बी एस थी तगड़ी फोड़ती है? तो भाई एक बार ना इससे पटाखे छुड़वा के देखते बस। वैसे भाई मैंने भी कभी इस पे छुड़वाए नहीं है, मैं भी फर्स्ट टाइम छुड़वा रहा हूँ, देखते भाई कैसा फोड़ती है, ठीक है। और भाई बुलेट होगी बिल्कुल रेडी, अब देखते हैं। छोड़े तीनों बट छोड़े कम, तीन ही छोड़े। सर भी बहुत तब तक भाई गर्म हो गया।